अस्सलामु अलैकुम। मैं सुल्ताना परवीन, मरवारी कॉलेज, मरवारी, रांची। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 की क्लास लूँगी, जिसमें मेरा टॉपिक है उर्दू मर्सिये का आगाज़ व इर्तका। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मर्सिया किसे कहते हैं। मर्सिया इस नज़्म को कहते हैं जो किसी के मरने पे लिखी जाए और जिसमें मरने वालों की खूबियाँ बयान की जाए। ठीक है, मर्सिया अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक है, जिसके माने रोने और इजहार गम करने को है। बकौल हाली कहते हैं, जिंदों की तारीफ़ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ जिसमें तासुब और अफसोस भी शामिल होता है, उसे मर्सिया कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की वफ़ात पर इनका मर्सिया लिखा, जो बहुत मशहूर है। इसी तरह अलामा इकबाल ने दाग का मर्सिया लिखा। लेकिन उर्दू में आम तौर पर मर्सिया इस नज़्म को कहा जाता है जिसमें करबला की अंदोह मतलब अफसोस नाक वाकियात बयान किए जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों के शहीद होने का मातम किया जाता है। मर्सिये के लिए कोई एक फॉर्म मुकर्रर नहीं है। अहद सौदा और इससे कबल मर्सिये मुरब्बा, मुखम्मस, मसदस, तरकीब बंद, तर्जीय बंद, मसनवी और गज़ल की शक्ल में लिखी जाते थे। बाज़ अदबी मौरखीन का ख्याल है कि मर्सिये को पहली बार जिसने मसदस की शक्ल दी वह मोहम्मद रफ़ी सौदा है। बाद में मर्सिये की यही फॉर्म सबसे ज़्यादा मकबूल हुई। सिबली ने भी मवज़ना अनीस व दबीर में लिखा है, सौदा अपने अहद के पहले शायर है जिन्होंने मर्सिये को मसदस की शक्ल में लिखा। मर्सिये के जाय तरकीबी 8 है। पहला है चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है रजत, छठा है जंग, सातवा है शहादत और आठवा है बीन। तो अब हम लोग देखेंगे मर्सिये के आगाज़ कहाँ हुए। तो उर्दू में दिगर अशनाफ फेशुखन की तरह मर्सिये की आगाज़ भी दक्कन से हुई। गोलकुंडा और बीजापुर के बादशाहों ने इसकी बुनियादों को मजबूत किया। अवलीन मर्सिया निगारों में अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजही के नाम खसूसियत के साथ काबिल जिक्र है। कुली कुतुब शाह मुहर्रम के मौके पर हर साल मुतादद मर्सिये लिखे, गो ये मर्सिये इजहार अकीदत के तौर पर लिखे गए थे। फिर भी इन में मजबून अफरीनी और नज़ाकत बयान मौजूद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजही के अलावा गवाशी फ़ाइज, काजिम इब्न नशाती, हाशमी, नुसरती वगैरह ने भी मर्सिये गोई की रवायत को आगे बढ़ाया। वली दकनी ने भी मसनवी की शक्ल में एक मर्सिया लिखा और वाकियात करबला मंजूम किए। बाद में हातिम आबरू और आरजू ने इस मौज़े पर तबा आजमाई की। मर्सिये की इस मजहबी व मजलिसी हैसियत को बरकरार रखते हुए इसमें अदबी अंसुर शामिल करके इसे अदबी जहत अता करने वालों में सौदा का नाम सर फहरिस्त है। सौदा ने मर्सिये को सबसे पहले फनी व अदबी अकदार से रोशनास कराया। इन्होंने मर्सिये को तकद्दस व अकीदत के महदूद दायरे से निकाल कर इसे इल्मी व अदबी हैसियत बख्शी। हुज़्न व इल्म के बयानात के साथ साथ दिगर मौजूआत को जगह देकर मर्सिये के दामन को वसीयत बख्शी और इसे ज़बान व बयान के नए पिराए अता किए। सौदा ने फ़न और फ़िक्र दोनों एतबार से
उर्दू मरसिए का मकाम बुलंद किया। इन्होंने मुसलिस, मुरब्बा, मुखमश और मसदस हर शक्ल में मरसिए लिखे। रुखसत जंग और शहादत की तफसीलात बड़े अंदाज में पेश किए। इनके मरसिए अलमियत, तसलसल, मुजामिन सादगी और इंसानी जज्बात के इजहार के लिहाज से बहुत अहम है। सौदा के अलावा मीर ने भी अपने मरसियों के ज़रिए मरसिए की फ़नी रवायत को वसीयत बख्शी और मरसिए की अदबी जहत मोतायन की। मीर व सौदा की रवायत को मज़ीद आगे बढ़ाने और मरसिए को अदबी अजमत व वक़ार बख्शने वालों में दिलगैर, ज़मीर, खलीक और फशीह के नाम खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है। बिलखसूस ज़मीर खलीक की काउशों ने मरसिए को मवाद और हैयत दोनों एतबार से बुलंदी और अजमत बख्शी और ये साबित कर दिया कि मरसिए में एक मुस्तकिल सिंफ सकन की हैसियत से जिंदा रहने की कुव्वत व सलाहियत मौजूद है। मीर खलीक की मरसियों में बड़ा दर्द व असर है। इन्होंने इंसानी जज्बात व महसूसात को बड़े गम व अंगेज अंदाज में पेश किया है। इनके मरसियों की जबान बहुत साफ़ और पाकिज़ा है। महावरे की मुनासिब इस्तेमाल ने इन मरसियों की असर अफरीनी में भी इजाफा कर दिया। खलीक की हमसरों में मीर ज़मीर मरसिया निगारी की मैदान में सबसे नुमाया नज़र आते हैं। वह मुसहफ़ी के शागिर्द थे। मरसिया के बेशतर अज़ाए तरकीबी का एजाद कशोहरा मीर ज़मीर के सर है। मरसिया में रज़मिये और सरापे के अनासिर का इजाफा इन्हीं ने किया है। इन्होंने 200 मरसिये लिखे और तमाम ही मरसिया मसदस में इज़ाए मरसिये के साथ लिखे। मीर अनीस मरसिये की अजीम रवायत की सबसे अहम कड़ी है। दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी के सेहतमंद अनासिर का हसीन इम्तिजाज इनकी शायरी में मिलता है। इनके दादा मीर हसन और वालिद मीर खलीक उर्दू जबान के अजीम शायर थे। इस तरह शायरी वर्से में मिली थी। इन्होंने इस वर्से की हिफाजत ही नहीं की बल्कि इसे फिक्र रसा और तख्लीकी सलाहियतों से इसकी अजमत में चार चांद लगा दिए। इनकी गज़लें भी अपनी सादगी और अशर अफरीनी की वजह से दिल को छू जाती है, लेकिन इनकी अजमत इनकी इन मरसियों के वजह से है जो सिर्फ उर्दू अदब ही नहीं बल्कि दुनिया की आला अदब का बेहतरीन सरमाया है। मीर अनीस ने फिक्र व फन दोनों ही एतबार से मरसिए में गिरअनकदार अजाफे किए हैं। वाक़िया निगारी, किरदार निगारी, मंजर कशी वगैरह के एतबार से इनके मरसिए अपनी मिसाल आप है। सादगी जबान के साथ साथ शनाई बदाई के महाशन और महावीरात के इस्तेमाल ने भी इनके मरसियों के हुस्न व अशर में इजाफा किया। मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी की खूबियाँ अगरचे मीर अनीस की सिफत कमाल के सामने धुंधली नज़र आती है, लेकिन ये एक मुसलमान हकीकत है कि वह एक अजीम मरसिया निगार थे। इनकी अजमत का इतराफ़ अहल नज़र ने फिदा खुदली के साथ किया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मरसिया निगारी के मैदान में इनकी फतूहात का तस्करा करते हुए इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया गोई के फ़न को लिया और इस दर्जा तक पहुँचा दिया जिसके आगे तरक्की का रास्ता बंद हो गया। इस तरह मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की कोशिशों से मरसिए की इर्तका की तमाम मनाजिल तय करते हुए इस मकाम पर पहुंच गया।
जो इसके उरूस का नुक्ता आखिर साबित हुआ। इन दोनों अजीम मरसिया निगारों के बाद फिर इस सिंफ सुखन को दोबारा उरूज नसीब नहीं हुआ। जोश मली आबादी, जमील मजहरी, नसीम अमरोही और शाद अजीम आबादी ने अनीस व दबीर की इस रवायत को आगे बढ़ाने के सिलसिले में काबिल कदर खिदमात अंजाम दिए। इन मरसिया निगारों ने मरसिया की कदीम रवायत से इनहराफ करते हुए मरसिया में सेहतमंद अजाफे किए। तो हम लोगों ने आज देखा कि मरसिया की आगाज़ कैसे हुई। हम लोगों की आज ये टॉपिक ख़त्म हुई। मैं अगले क्लास में इंशाअल्लाह दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। खुदा हाफिज़।